हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। बेटा आज हम इसे प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का प्रसार ध्यान रखना होगा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपको एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पुट करना है, ठीक है। तो पूरी सीरीज इस तरह से हो जाएगी। आप 1 प्लस एक्स की जगह बेटा 1 अपॉन है, ये सी जीरो, ये सी वन, इस एक्स की जगह बच्चों 1 अपॉन एक्स ऐसा हो जाएगा। आप इसको इस तरह लिख लीजिए, सी वन अपॉन एक्स, ये सी टू, इस एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखोगे तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये सी थ्री, यहाँ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखोगे और ये सी एन, यहाँ एक्स की जगह बेटा 1 अपॉन एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर एन, ठीक है। अब बच्चों इसे रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एन, यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम एक्स, तो बेटा यहाँ एक्स हो जाएगा और ये प्लस यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब बच्चों दोनों की पावर अलग कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 1 की होल पावर n और यहाँ x की पावर है, दोनों की पावर अलग हो गई। अब बेटा ये पॉजिटिव पावर है, यदि आप इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव इस तरह से, ठीक है। और बेटा x प्लस 1 है, आप इसे 1 प्लस x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह बच्चों अब हम ये लिखेंगे 1 प्लस x की होल पावर n, x की पावर माइनस n इक्वल टू सी जीरो, सी वन अपॉन एक्स, सी टू अपॉन एक्स स्क्वायर, सी थ्री अपॉन एक्स क्यूब, सी एन अपॉन एक्स की पावर है। अब बच्चों ये इक्वेशन हो गई 1 और ये हो गई बेटा 2। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। एलएचएस में एलएचएस का मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस में आरएचएस का, ये बेटा 2 बार आ रहा है। तो बच्चों आप इसे लिख लीजिए होल स्क्वायर इस तरह से, और ये बेटा x की पावर माइनस n। अब बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले इसे लिख लो सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी थ्री एक्स क्यू सी एन एक्स की पावर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसके साथ सी जीरो c1 अपॉन x, c2 अपॉन x स्क्वायर, c3 अपॉन x क्यूब, cn अपॉन x की पावर n। अब बच्चों पावर पे पावर ही पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2n, 1 प्लस x की पावर 2n और ये बेटा x की पावर माइनस n, और ये लिख लेते हैं सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी थ्री एक्स क्यूब सी एन एक्स की पावर एन, उसका मल्टीप्लाई इसमें सी जीरो सी वन अपॉन एक्स सी टू अपॉन एक्स स्क्वायर सी थ्री अपॉन एक्स क्यूब सी थ्री अपॉन एक्स क्यूब सी एन अपॉन एक्स की पावर है। अब बेटा हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर माइनस n, ये एलएचएस ले लें, ठीक है। अब बेटा जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें x से स्वतंत्र, कहने का मतलब x से इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए, तो बेटा ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बचा 1 प्लस x की पावर 2n, ये बचा। अब बेटा जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे तो मुझे चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, क्या चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, तो वो कैसे निकलता है उसकी बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वो बेटा निकलता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर आते हैं 2n ऊपर आएगा, ठीक है, फिर c और बेटा यहां पावर x की कितनी n वह नीचे आता है, इस तरह से निकलता है।
अब बच्चों इसे सॉल्व करने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला कहता है एन का फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल। अब बेटा ऊपर वाला क्या है, टू एन, उसका फैक्टोरियल। फिर फॉर्मूला कहता है आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल मतलब नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे एन है तो बच्चों एन का फैक्टोरियल। फिर फॉर्मूला कहता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो फिर फैक्टोरियल लगाओ, मतलब टू एन में से एन को आपको माइनस करना है। तो ये हो गया ऊपर टू एन का फैक्टोरियल, ये बेटा एन का फैक्टोरियल, और टू एन में से एन माइनस हो गया एन का फैक्टोरियल। अभी हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और बेटा हमें ये सॉल्यूशन मिल गया, ये देखिए यहाँ बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे कि बेटा हमें जो टर्म्स मिले वह x से इनडिपेंडेंट होना चाहिए, x से स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये किस तरह से हो सकता है, देखिए c0 में बेटा इस c0 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा c0 का स्क्वायर प्लस, अब बेटा c1x का इस c1 अपॉन x में मल्टीप्लाई, देखिए c1x का c1 अपॉन x में मल्टीप्लाई करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अब जो टर्म्स मिलेंगे वह x से इंडिपेंडेंट टर्म्स मिलेंगे, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया c1 स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा अब आपको मिलेगा c2 स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहां से मिलेगा c3 का स्क्वायर, और बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मिलेगा cn का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।